गाइस, तो आज हम करने वाले हैं ईटिंग ओनली चीज फॉर 24 आवर्स. ओके, सो वी आर गोना ट्राई टू डू अ टंग ट्विस्टर. ठीक है. Chester Cheetah choose a chunk of cheap cheddar cheese. Chester Cheetah choose a chunk of cheap cheddar cheese. Chester Cheetah choose a chunk of cheap cheddar cheese. Chester Cheetah choose a chunk of Oops. Okay. मैं तो सिर्फ 3 बार कर पाई. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ट्राई करके कि आप कितनी बार कर सकते हो. ठीक है. सो फॉर लंच हमने ना क्या करा है, वी हैव ऑर्डर्ड चीज बर्स्ट पिज्जास फ्रॉम 3 ब्रांड्स. सबसे पहले वी हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम डोमिनोज. हमने इनका चीज मैक्स क्रस्ट करा है डबल चीज मार्गरीटा में, प्लस वी हैव एडेड एक्स्ट्रा चीज एज टॉपिंग. इसका हमें कुछ प्राइस पड़ा 500 रुपये का. ठीक है. बट लॉल हो गया. मैं इसका जस्ट चीज पुल करने की कोशिश कर रही थी ना, मेरा लिटरली हाथ जल गया. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. तो सेकेंड वन इज पिज्जा हट. पिज्जा हट का हमने ऑर्डर करा है स्टफ्ड क्रस्ट का बेस, डबल चीज मार्गरीटा एंड स्टफ्ड चीज, और ऊपर से एक्स्ट्रा चीज भी डलवाई है. एंड इसका प्राइस वाज 650, सो 100 रुपीज मोर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने मोजो पिज्जा से ऑर्डर करा है उनका डबल चीज मार्गरीटा विद स्टफ्ड क्रस्ट विद एक्स्ट्रा चीज, मतलब. एंड ये सबसे सस्ता था, ठीक है, 300 रुपये का, बट देखने में ये सबसे ज़्यादा सुंदर है. एंड इसका चीज बुल भी इतना, मतलब, ऐसा बढ़िया सा है कि मैं क्या ही बताऊँ. सबसे पहले एक काम करते हैं हम, ये डोमिनोज का डबल चीज स्टफ्ड चीज एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग का पिज्जा ट्राई करते हैं. ओके, तो डोमिनोज के पिज्जा की बात करें ना, तो ये आया काफ़ी ऐसा ठंडा सा हुआ है और बाहर का, मतलब, पूरा ड्राई हो गया. बट इन्होंने जो फिलिंग करी है चीज़ की, वो, मतलब, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और उस वजह से ना पिज़्ज़ा बहुत मॉइस्ट है. मतलब इसको आए 1 घंटा हो गया तब भी इसका टेस्ट अच्छा आ रहा है. एंड प्राइस वाइज इट्स ओके, मिडल में है तो ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज़ पिज़्ज़ा हट. एंड इंस्टेंटली इसमें देख के फॉर सम रीज़न मुझे दिख ही नहीं रहा कि कुछ भी चीज़ है, मतलब, सॉरी, चीज़ नहीं, दिख ही नहीं रहा कि कुछ भी सॉस है. इट लुक्स सॉसलेस. व्हाई पिज़्ज़ा, व्हाई यू डू दिस टू मी, व्हाई यू लुक सॉसलेस. पता नहीं, पूरे पिज़्ज़ा में देख के नहीं लग रहा कि सॉस है. ओके, एनीवेज, वी शैल स्टिल ट्राई इट. इसमें और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, एक तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, और, मतलब, वो सॉस या कोई भी मॉइस्चर लेयर नहीं है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ ना, तो वैसे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है, और कुछ खास टेस्ट भी नहीं आ रहा. तो आई डोंट नो, नहीं, आई एम होपिंग कि मोजो पिज़्ज़ा विल बी द बेस्ट. इसमें है सॉस है, एंड दिस वाज द सस्ताएस्ट. दिस टेस्ट अमेजिंग. ठीक है. और मैंने ये थिन क्रस्ट ऑर्डर करा था, तो टेस्ट में दिस इज़ मतलब चीज़ कम आ, इन दोनों के कंपेरिजन में चीज़ का टेस्ट थोड़ा सा कम है, बट इन्होंने जो सॉस डाली है ना इसके नीचे, उसका फ्लेवर इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम रेड सॉस पास्ता नहीं खाते, उसकी बहुत सारी सॉस भर दी है. एंड दिस टेस्ट टू गुड, मतलब टेस्टी. गाइस, तो मैं ना सोच रही हूँ कि हम इवनिंग स्नैक्स के लिए बाहर जाके लेके आते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में 6-7 चीज़ें जो मैं लेके आना चाहती हूँ. बट उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेते हैं. पर यार, एक ऐसा चीज़ है ना, अपने स्किन टोन से ऐसा मैचिंग लिप कलर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. एंड ऑल्सो एक लिपस्टिक जो, मतलब, आपके लिप्स को ड्राई, डिहाइड्रेटेड और ऐसा स्ट्रेची नहीं छोड़ती. बट आई केम अक्रॉस मामा अर्थ की ये मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक. ठीक है. तो दीज लिपस्टिक्स कम इन 13 डिफरेंट शेड्स. इट प्रोवाइड्स 8 आवर्स मॉइस्चर लॉक, 12 आवर्स लॉन्ग स्टे, एंड एक मस्त नॉन ड्राइंग मैट कलर देता है. These are also made safe, certified and dermatologically tested and completely smudge proof. By the way, my favorite color is carnation nude, and these lipsticks come with the goodness of avocado oil, जो मॉइस्चराइज करता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एंटी ऑक्सीडेंट बेनिफिट्स एंड विटामिन ई विच प्रिवेंट्स पिगमेंटेशन. बाय द वे, दीज लिपस्टिक्स आर वीवी कम्फी टू वेयर. ओके, तो अब एक काम करते हैं, जाते हैं और इवनिंग स्नैक के लिए मैंने जो जो डिसाइड करे ना वो सब लेके आते हैं. ठीक है, चलो. तो हमारा इवनिंग स्नैक ये रहा. Yo, what's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? और
ये रहा हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच इज़ ब्रिटानिया का चीज़ ब्लॉक। हम बेसिकली इन सब के ऊपर चीज़ डालने वाले हैं। ये रहा हमारा औजार चीज़ डालने के लिए। बाय द वे, मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप भी, एंड आपका iOS और एंड्रॉयड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एंड इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड SO2022 यू गेट एन एडिशनल 20% डिस्काउंट। और आपको एक और बात पता थी क्या, जब भी आप मामाअर्थ से ऑर्डर करते हो ना, दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड बाई 2025 दे प्लान टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। ऑल्सो मामाअर्थ ने ना अपना गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे आपको फ्री शिपिंग मिलते हैं एंड फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं ऑन एवरी ऑर्डर, एंड यू गेट एक्सेस टू एक्सक्लूसिव सेल्स और डिस्काउंट। अगर आपको गुडनेस इनसाइडर बनाना तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इसकी स्मेल मेरे को बुला रही है लिटरली। सो हम डाल रहे हैं भेलपुरी के ऊपर। अभी मैं क्या करूँगी, आई विल ट्राई नॉट टू रिएक्ट वाइल ईटिंग ऑल ऑफ दिस। एंड मैं आपको बताऊँगी सबसे अच्छा क्या है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में गेस करो सबसे अच्छा क्या है, एंड उसके साथ कमेंट डन अगर आपको शाउट आउट चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो भेलपुरी, सॉरी गाइस, मैं सम रीज़न चम्मच लाना भूल गई, सो इट इज़ गोइंग टू बी ऑल हैंड्स टुडे। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। ओके, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे लगे मोमोज, सेकंड अच्छे लगे मुझे छोले भटूरे, थर्ड अच्छे लगे पाव भाजी, फोर्थ अच्छा लगा मुझे ये भेलपूरी, एंड पानीपुरी फिफ्थ, क्योंकि ये नूडल समोसा और चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार था। पानीपुरी में वैसे चीज़ बहुत कम डाली थी तो ऐसा कुछ ख़राब था नहीं, बट या ऑल्सो बाय द वे गाइज, इतना सारा खाना खा लिया उसके बाद लुक एट माई लिपस्टिक, बिल्कुल भी स्मज नहीं हुई है। आई एम एब्सोल्युटली इन लव। डिनर टाइम गाइज, तो हमने ऑर्डर करा है बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स का पूरा चीज़ी मेन्यू। सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स में मैक्सिकन चीज़ी फ्राइज, इनके चीज़ कॉर्न नगेट्स, फिर एक चीज़ एंड कॉर्न बर्गर, इनका मैक चीज़ बर्गर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनका एक गोरमे बर्गर विच इज़ ट्रिपल चीज़। और फिर बर्गर किंग से हमें दो ही चीज़ें मिली, एक तो हमें हॉट एंड स्पाइसी चिली चीज़ बर्गर मिला, एंड सेकेंड हमें चीज़ी फ्राइज सॉर्ट ऑफ मिले। अब कंपेयर करके देखते हैं कि चीज़ी फ्राइज में कौन बेटर है और बर्गर्स में कौन बेटर है। सबसे पहले ये है बर्गर किंग का चीज़ी फ्राइज, एंड ये है मैकडॉनल्ड्स का चीज़ी फ्राइज। आई लाइक मैकडॉनल्ड्स का बेटर। वन ह्यूज रीजन इज इनके फ्राइज बहुत पतले हैं तो मुझे पसंद है, बट वे एक्साइटेड टू ट्राई बर्गर किंग का ये चिली चीज बर्गर। ओके, सो इसका टेस्ट ऐसा नहीं है बुरा है, एज अ बर्गर दिस टेस्ट अमेजिंग, बट चिली चीज के नाम पे धब्बा है, बिकॉज मतलब वेज पैटी है इसके अंदर। एनीवेज, नाउ वी गो टू आवर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर विच इज द कॉर्न चीज, सबसे सस्ता वाला पहले। एंड लुक, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट अंदर चीज दिख ही नहीं रही है, मतलब देयर इज नो चीज।
we will try the triple cheeseburger. And तो इसका टेस्ट ना काफी अच्छा है, बट सिर्फ चीज का टेस्ट है, कुछ फ्लेवरिंग, कुछ सॉस, कुछ भी नहीं है. सो आई वुड नेवर गो फॉर इट. बट नाउ आई एम होपिंग इन्होंने जो ये मैक चीज बर्गर लॉन्च करा है ये अच्छा हो, क्योंकि इसमें ऐसा मतलब सॉसी सॉसी और बहुत सारी सब्जियां लग रही हैं. अमेजिंग. इन टर्म्स ऑफ बर्गर, बर्गर किंग का ये वर्सेस ये, आई वुड पिक दिस इन टर्म्स ऑफ चीजीनेस, बट आई वुड पिक दिस इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर. सो आई थिंक मुझे बर्गर किंग और डोमिनोज पे एक न्यू बर्गर ट्राई करने को मिल गया. सो आई एम हैप्पी दैट वी डिड दिस चैलेंज. ऑल्सो बाय द वे, मैंने ना अभी एक डिफरेंट शेड ऑफ लिपस्टिक लगाया एंड मतलब मेरे को ये इतने कंफर्टेबल लगते हैं और एकदम स्मज प्रूफ. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सुबह जो मैंने कलर पहना था और ये में से मेरे पे सूट कौन सा बेटर कर रहा है. ठीक है, आई एम एंजॉय माय फूड नाउ. सी यू लेटर एलिगेटर.